तो गाइस हम सब इस बार ये सोच रहे थे कि शायद शो की टीआरपी कम हो रही है, तो चलो इस बार तो फाइनली पोपटलाल की शादी हो ही जाएगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया है स्टोरी में कि वो जो लड़की है प्रतीक्षा, उसका पहले से डिवोर्स हो रखा है। अब यहाँ पर बहुत ही सस्पिशियस बात है कि जब दोनों की तरफ से हाँ हो चुकी है उसके बाद लड़की वाले ये बात बता रहे हैं, और माधवी ने सही कहा कि ये बात तो उनको पहले क्लियर करनी चाहिए थी। इसके बाद दोस्तों एक और बात, जब चंपक चाचा ने डिवोर्स का रीजन पूछा तो लड़की वालों ने नहीं बताया। अब यहाँ पे ये बात तो साफ है कि कुछ ना कुछ तो है जो कि लड़की वाले छुपा रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन से भी ये बात पता चल रही है। और दूसरी ओर जहां पे टाइम लेना चाहिए पोपटलाल को डिसाइड करने में ये बात पता चलने के बाद, वहां पे अब क्योंकि पोपटलाल को भी ये है कि उसकी शादी हो नहीं रही इतने सालों से, तो अब हो रही है तो उसको कैसी भी चलेगी, इसलिए उसने इतना सोचा समझा भी नहीं और हां कर दी। और यहां पर ये बात भी पॉसिबल है कि लड़की में कुछ ना कुछ इशू होगा, हो सकता है कि लड़की का नेचर बहुत ज्यादा खराब हो, या उसका नेचर बहुत गुस्से वाला हो, या और कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से पहली शादी टूटी हो और इसलिए लड़की वालों को इतनी जल्दी भी हो रही है शादी करने की। अब यहां पर जेठालाल ने भी पोपटलाल को ये बात बोली कि थोड़ा सा सबर कर ले, और कोई लड़की मिल जाएगी इससे अच्छी, क्योंकि सबर का फल मीठा होता है। क्योंकि ये पता चले बिना कि लास्ट टाइम डिवोर्स क्यों हुआ था, पोपटलाल काफी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। और यहाँ पर काफी सारे गोकुलधाम के लोग पोपटलाल को वार्निंग दे चुके हैं, लेकिन पोपटलाल नहीं माना। और पोपटलाल पहली ही मीटिंग में लड़की को कैसे जज कर सकता है, वो लड़की तो वहां पर कुछ खास बोली भी नहीं, और पोपटलाल ने ऐसे ही जज कर लिया सिर्फ भोली भाली शक्ल देखकर। असली रंग तो शादी के बाद पता चलेंगे ना। और गाइस यहाँ पर एक और बात, वो लड़की वाले काफी ज्यादा शातिर भी लग रहे हैं, वो लोग पक्का ऐसा लड़का ढूंढ रहे होंगे जिसकी शादी ना हो रही हो और इसीलिए वो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जल्दी शादी कर ले, और तभी इतना पैसा वाला होने के बावजूद वो पोपटलाल जैसे लड़के से शादी कर रहे हैं जिसकी एज भी ज्यादा है और कमाता भी डिसेंट सही है। अब दोस्तों यहाँ पर पक्का प्रॉब्लम आने वाली है, और यही बात दोस्तों सारे गोकुलधाम वालों के मन में भी खटक रही है। और गाइस ऐसा लगता है ना, इस बार शादी कैंसिल होगी ना पोपटलाल की, तो हर बार की तरह पोपटलाल को रिग्रेट नहीं होगा बल्कि खुशी होगी कि ऐसी लड़की से शादी करने से बाल बाल बचा। आप क्या सोचते हो गाइस इस स्टोरी को लेकर, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।